अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम बनाएंगे अपने किचन में शीर खुरमा। तो शीर खुरमे को मैं तीन तरह से बनाती हूँ। ये हमारा पहला तरीका है और ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए हमने पहले बताया आपको। इंशाल्लाह दूसरा और तीसरा तरीका भी बता देंगे आपको। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शीर खुरमा बनाना। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स देख लें हम। हमने यहाँ पर 100 ग्राम ले लिया है काजू, 50 ग्राम ले लिया है चारोली यानी चिरौंजी, बादाम ले लिया है मैंने 50 ग्राम, 100 ग्राम मैंने ले लिया है ताल मखाना। तो ताल मखाना ज़रूर ऐड करें, शीर खुरमे में बहुत अच्छा लगता है ताल मखाना, दिखने में भी और खाने में भी। तो सबसे पहले हमने 3 टेबलस्पून घी ऐड कर लिया है, ताल मखाने को फ्राई कर लेंगे। तो ताल मखाने को हमें जब तक ही फ्राई करना है जब तक ही अच्छा कलर ना आ जाए। तो ताल मखाना फ्राई हो गए हैं अच्छे से, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनका कलर भी अच्छा आ गया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है और इससे पहले पानी में सोक करने रखना होता है, वो मैंने नहीं किया है इस रेसिपी में, वो मैं आपको सेकेंड रेसिपी में बता दूँगी। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम खोया, इसे भी मैंने 1 टेबलस्पून घी में फ्राई कर लिया है जिस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था। और मैंने यहाँ पर 2 लीटर मिल्क को बॉयल करने रख दिया था प्रिपरेशन करते टाइम। तो बस ये बॉयल होने वाला है और इसे बॉयल करेंगे हम। अभी ये 2 लीटर है, जब ये 1.25 लीटर हो जाएगा तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तब तक कि हमें इसे पकाते जाना है ताकि अच्छे से थिक हो जाए मिल्क और हमारा शीर खुरमा टेस्टी बने। इधर मैंने सेवई ले ली है 25 ग्राम, ये रोस्टेड सेवियाँ थी, मगर हम यहाँ पर एक बार और रोस्ट कर लेंगे 2 टेबलस्पून घी ऐड करके। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है और बाकी के भी इंग्रेडिएंट फ्राई किए हैं। इससे हमारे शीर खुरमे में कलर बहुत प्यारा सा आएगा और हमें एक्स्ट्रा कोई भी कलर नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो खोया यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना ऐड करें, लेकिन शीर खुरमे में खोए का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मेरे घर में भी बिना खोए का शीर खुरमा किसी को पसंद नहीं, तो इसलिए मैं ऐड हूँ। तो ये देखें 10 मिनट से इसी तरह से बॉयल हो रहा है ये मिल्क और अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो ये देखें मिल्क कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है और इसमें कितनी मोटी सी मलाई पड़ गई है। तो इस मलाई को हम साइड करते जाएंगे इस तरह से। तो सेवियों ने यहाँ पर घी को अच्छे से सोख लिया है, अच्छे से भुन गई है यहाँ पर सेवियों का कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हम ऐड कर देंगे सेवियों को मिल्क में और फिर स्टर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेवियाँ ऐड कर देने के बाद 8 से 9 मिनट ही पकाना है मिल्क को। तो हमने सेवियाँ ऐड कर दी है और हम स्टर करते जाएंगे मिल्क को अच्छे से। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है मिल्क में, बादामी सा कलर आया है। और अभी बाकी के इंग्रेडिएंट जब ऐड करेंगे तो और भी अच्छा कलर आएगा। तो देखिए इस तरह से स्टर करते जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद फिर से हम स्टर करेंगे और अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पर चीनी। तो चीनी हमने इस रेसिपी में 1/2 kg यूज़ की है, आप अगर कम चाहें तो कम ऐड कर दें शुगर, या ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg चीनी ऐड कर दी, फिर से हम स्टर करते जाएंगे और हमने यहाँ पर फ्राई किए हुए मखाने ऐड कर दिए। तो मखाने जाते ही देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया और दिखने में भी शीर खुरमा मज़े का लगने लगा है। तो कंप्लीट 9 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस स्टोव बंद कर देंगे, गैस स्टोव से हटा लेंगे अपने शीर खुरमे को। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट बाद मैंने खोए को हाथ से क्रम्बल करके इस तरह से ऐड कर दिया। तो शीर खुरमा गरम है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा खोया इसमें। तो हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है और इस शीर खुरमे को आप फ्रिज में रख कर खाएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, या फिर आप शीर खुरमे को गरम गरम सर्व करें तो आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपकी फ़ैमिली को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।